हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लेक्चर नंबर 8 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट 4, वो शुरू करने वाले हैं। अपनी एक ऑनगोइंग सीरीज जो चल रही है, दैट इज चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और उसमें भी हम एक स्पेसिफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं फ्रॉम द पास्ट 3 लेक्चर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, राइट। आज के लेक्चर में वी विल सी कि अगर हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, इस डायपोल को अगर मैं थीटा एंगल रोटेट कर देता हूं, उसके लिए जो काम हमें करना पड़ेगा, वो काम, वो वर्क डन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दिस इज अवर टॉपिक नंबर 1, राइट। द टॉपिक नंबर 2 इज कि कोई भी आपका इलेक्ट्रिक डायपोल किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। सो व्हाट वाज द सोर्स ऑफ दैट पोटेंशियल एनर्जी एंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट आउट, दिस इज द टॉपिक नंबर 2, राइट। दिस इज अगेन माय एडवाइस के आप इसके पहले जो 3 पार्ट हैं लेक्चर नंबर 8 के, उनसे आप अच्छी तरह से गो थ्रू हो जाएं, देन आप इस पार्ट 4 को जो है समझने की शुरुआत करें, क्योंकि ओनली देन ये पर्टिकुलर जो लेक्चर है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एंड आई होप सो कि आपको ये वीडियोस जो है पसंद आ रहे होंगे, आप इन्हें लाइक कर रहे होंगे। प्लीज शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी सेइंग, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए अब हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स लेट अस सपोज कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है लाइक दिस, और सिचुएशन एग्जैक्टली सेम है व्हाट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल येट। लेट अस सपोज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है यहाँ पर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इस तरह से हैं, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू विच दिस इलेक्ट्रिक लाइन हैव बीन फॉर्म इज फ्रॉम दिस साइड एंड नेगेटिव चार्ज इज फ्रॉम दिस साइड। और ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसको हमने उसी सिचुएशन में रखा है, दैट मींस नेगेटिव चार्ज ऑफ डाइपोल इज दिस साइड एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल इज दिस साइड, राइट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इक्विडिस्टेंस है, दैट मींस यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, राइट। सो नॉर्मल सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में ये अभी है, ये डाइपोल जो है एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है राइट नाउ। सो अगर इस डाइपोल को मैं, दैट मींस राइट नाउ द थीटा इज जीरो, राइट, इफ यू रिमेंबर दैट, इस सिचुएशन में थीटा जीरो है, राइट। अगर मैं इस डाइपोल को इस तरह से रोटेट करता हूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, एंड आई नो के इस डाइपोल पर एक टॉर्क जो है वो लगना स्टार्ट होता है, ड्यू टू दैट ये डाइपोल वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आता है, लेकिन अगर मैं इसको बाय फोर्स रोटेट करता हूं, देन ये जो टॉर्क है इसके अगेंस्ट मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। आई हैव टू डू द वर्क टू रोटेट दिस डाइपोल इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। हमारा एम अभी ये वर्क डन जो है, कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा अगर इस डाइपोल को मैं थीटा डिग्री रोटेट कर रहा हूं इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कैलकुलेट करना है, राइट। लेट अस सपोज कि हमारे पास ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, राइट। लेट अस सपोज कि एक ये डाइपोल हमारे पास है और इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी, राइट। और इस डाइपोल को अगर मैं अभी रोटेट करूं, अभी जो एंगल थीटा है वो जीरो है, राइट। इसको अगर मैं थीटा डिग्री इस तरह से रोटेट करता हूं,
और अगर ये सिचुएशन में है, आई नो दैट कि एक टॉक लगेगा और उस टॉक की वजह से वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन अगर मैं इसको फोर्सफुली ये एंगल पर रोटेट करूं देन आई हैव टू डू सम वर्क, उस वर्क को हमें कैलकुलेट करना है, राइट। सो इनिशियली द डायपोल जस्ट लाइक दैट थीटा इज इक्वल टू जीरो, और अब इस डायपोल को हमने थीटा डिग्री जो है रोटेट किया है। सो इस पर जो टॉर्क अभी लग रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट टॉर्क? सो टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क अप्लाइड ऑन डाइपोल, दैट मीन्स टाउ इज इक्वल टू, वी नो दैट दैट इज पीई साइन थीटा, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट टॉर्क, where E is the electric field intensity, right? So P E sin theta, right? So this is the torque. Now let us suppose कि हमने ये जो आपका dipole है इसको एक बहुत छोटा सा angle d theta जो है rotate किया, right? So इसको rotate करने के लिए जो हमें work done करना पड़ेगा वो भी infinitely small होगा, right? And let us suppose it is d theta. So work done for rotating the dipole by angle d theta. एक इंफाइनेटली स्मॉल एंगल आपने इसको रोटेट किया, सो द वर्क डन जो होगा वो भी बहुत स्मॉल होगा, एंड इट कुड रिप्रेजेंट बाय डी डब्ल्यू। नाउ वी नो द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट राइट नाउ जो फोर्स का रोल जो है दैट हैव बीन प्लेड बाय टॉर्क हियर, राइट। सो जो वर्क डन है वो हमारा बराबर होगा टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की जगह हमें लेना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो हुआ नहीं है। सो कौन सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है? दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज d theta, right? So we can write down this thing, tau ki value hum rakh sakte hain, that is p e sin theta and d theta. So this is equation number one. और अगर मुझे complete work done निकालना है इस dipole को theta angle rotate करने के लिए from zero, then I have to integrate this equation number one. तो इक्वेशन नंबर वन को हम इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई साइन थीटा एंड डी थीटा, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे और जो लिमिट्स रहेंगी वो जीरो टू डब्ल्यू, एंड हेयर हमने ये जो डाइपोल था इसको जीरो से लेकर थीटा तक रोटेट किया है, दैट मीन्स फ्रॉम जीरो टू थीटा, राइट। चलिए इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट। सो यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे, व्हाट वी हैव डब्ल्यू द वर्क डन, एंड हियर दिस पी ई जो है ये हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, राइट। और साइन थीटा का जब इंटीग्रेट करेंगे सो वी विल हैव माइनस ऑफ कॉस थीटा, एंड द वैल्यू this is lower limit and this is upper limit, right? इसको हम खोल लेते हैं, so according to that right now upper limit minus lower limit that means minus of cos theta and minus of cos zero, right? So what we have, w is equal to pe and minus of cos theta, cos 0 की वैल्यू होती है 1, माइनस 1, माइनस बाहर है तो प्लस 1, दैट मीन्स प्लस 1,
सो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें, पीई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी यूज टू कैलकुलेट आउट द वर्क डन दैट वी हैव टू डू टू रोटेट दिस डाइपोल फॉर एंगल थीटा इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड, राइट। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन देखिए, हम ये भी कैलकुलेट आउट कर सकते हैं कि लेटर सपोज कि ये थीटा जो था आपका जीरो था, ये जीरो ना आकर कुछ और होता लेटर से, राइट नाउ थीटा वन, इसको थीटा वन से आपने थीटा टू तक रोटेट किया है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। सो उसमें व्हाट वी हैव टू चेंज बेसिकली, यहाँ पर जीरो की जगह थीटा वन हो जाएगा और थीटा की जगह थीटा टू हो जाएगा। तो चलिए इस जनरल फॉर्म को भी हम देख लेते हैं किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, राइट। इन जनरल लेट अस से, तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो हमें डब्ल्यू मिल ही जाएगा और यहाँ पर वी हैव टू राइट डाउन थीटा वन एंड दिस इज थीटा टू एंड पीई साइन थीटा एंड डी थीटा एंड अगेन जो पीई है ये हमने कॉमन ले लिया है, देन व्हाट वी हैव माइनस ऑफ cos theta and theta 1 and theta 2, so what we have PE minus of cos theta 2 and minus of minus cos theta 1, right? So the general in general जो फॉर्मूला हमें वर्क डन का मिल रहा है, इट इज W इज इक्वल टू PE और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स कॉस थीटा वन माइनस ऑफ कॉस थीटा टू। सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन जब आप किसी डाइपोल को एक पर्टिकुलर एंगल थीटा वन से थीटा टू तक रोटेट कर रहे हैं तो कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। सो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर टू एंड दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। यहां से देखिए अब कुछ स्पेशल केस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो फर्स्ट केस जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये आपका थीटा इज इक्वल टू जीरो था और आपने इसको रोटेट नहीं किया, दैट मीन्स थीटा जो है वो अब भी जीरो, आप इसको रोटेट नहीं कर रहे, देन इक्वेशन नंबर अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर टू व्हाट विल बी हैव, डब्ल्यू इज इक्वल टू पीई और वन एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आपने रोटेट किया नहीं है तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, सो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। जब आपने इसको रोटेट किया ही नहीं तो फिर वर्क डन कहां करना पड़ेगा, राइट। द नेक्स्ट केस इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, आप इस डाइपोल को जो है 90 डिग्री तक रोटेट कर रहे हैं, राइट। ऑफ कोर्स फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू जीरो टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तक इसको आप रोटेट कर रहे हैं, देन वर्क डन विल बी पीई एंड वन कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो, सो इट इज पीई 90 डिग्री इसको रोटेट करने में जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। द थर्ड केस इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दैट पर्टिकुलर केस पी ई एंड वन कॉस 180 का मतलब क्या हो गया, देखिए जीरो है या आपने इसको 90 डिग्री रोटेट किया और फिर 90 डिग्री रोटेट कर दिया आपने, तो अब सिचुएशन ये हो गई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अब इधर आ गया है और नेगेटिव चार्ज, आपने इसको पूरा 180 डिग्री जो है रोटेट कर दिया है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, राइट। सो -1, सो व्हाट विल वी हैव, माइनस माइनस प्लस, सो वी हैव टू पी ई, राइट। सो दिस इज हाउ द वर्क डन विल चेंज, राइट। ओके सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल कैप्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
जब एक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। लेट अस सपोज कि यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, राइट? और एंड लेट अस से कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसको मैं इन्फिनिटी से इसको उठा के लेके आ रहा हूं, लाइक दिस, इन्फिनिटी से इसको ला रहा हूं और किसी इस पर्टिकुलर लोकेशन पर लाकर मैंने इसे छोड़ दिया है, लाइक दिस, राइट? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि इसको जब मैं उठा के लेके आया हूं, सो आई हैव डन सम वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? वो जितना भी काम हमने किया है इसको इन्फिनिटी से दिस पर्टिकुलर लोकेशन तक लाकर रखने में, वो सारा का सारा काम जो है इस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी बनकर स्टोर हो जाएगा, राइट? इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी दैट। स्टूडेंट, चलिए अब स्ट्रेटेजी को समझते हैं कि किस तरह से हमें इस वर्क डन को कैलकुलेट करना है, क्योंकि वो वर्क डन अगर कैलकुलेट होगा देन वी विल इन द सिचुएशन टू कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो देखिए, ये जो माइनस चार्ज है और इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज था, राइट? इस माइनस चार्ज को एक तरह से जब ये पूरा का पूरा सिस्टम उठ के आएगा तो ये जो माइनस वाला चार्ज है ये इस प्लस वाले चार्ज की तरफ ऑटोमेटिकली खुद ही अट्रैक्ट होता हुआ जा रहा है। दैट मींस इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, राइट? वर्क डन जो होगा इस पर्टिकुलर केस में, इस नेगेटिव चार्ज को जब हम लेके जा रहे हैं तो ये तो अपने आप ही जा रहा है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो वर्क डन माइनस क्यू चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो होगा वो होगा नेगेटिव। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से, रिमेंबर दैट, राइट? ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसको हमें इंफिनिटी से यहां तक लाने के लिए काम करना पड़ेगा, राइट? अब जो सिचुएशन है आप ये देखिए कि ये जो नेगेटिव चार्ज है और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये 2L, ये फिक्स है, वी कांट चेंज दैट, राइट? नेगेटिव चार्ज, जब ये पूरा का पूरा डाइपोल हम उठा के लेके आ रहे हैं तो इस पर्टिकुलर लोकेशन B तक नेगेटिव चार्ज भी आया होगा, राइट? यहां तक एट लोकेशन बी, ये जो बी वाली लोकेशन है, यहां तक जितना भी काम आप इंफिनिटी से उठाकर जब आप नेगेटिव चार्ज यहां तक लेकर आए हैं, जितना भी आपने काम किया होगा वो नेगेटिव, और जितना पॉजिटिव चार्ज आप उठा के इंफिनिटी से यहां तक लाए हैं वो पॉजिटिव। यहां तक टिल लोकेशन बी जितना भी काम किया गया है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? जो नेगेटिव चार्ज को लाने में जितना काम किया था टिल लोकेशन बी वो नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाने में जो जितना काम किया था वो पॉजिटिव, और वो दोनों एग्जैक्टली सेम होंगे तो लोकेशन नंबर बी तक तो जितना भी काम किया गया है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, दैट मीन्स जीरो, राइट? द ओनली वर्क डन दैट वी हैव टू डू इज बेसिकली ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसको बी से ए तक लाने में हमने जितना काम किया है, दैट इज बेसिकली द नेट वर्क डन, राइट? और इस वर्क डन को अब हमें कैलकुलेट करना है, राइट? द वर्क डन फॉर टेकिंग माइनस क्यू चार्ज, टेकिंग माइनस क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट और लोकेशन बी विल बी नेगेटिव, वेयर एज द वर्क डन टू ब्रिंग
वर्क डन टू ब्रिंग प्लस क्यू चार्ज फ्रॉम फ्रॉम इंफिनिटी फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी विल बी पॉजिटिव एंड and these two works are equal in magnitude. So they will cancel out each other. Till point B. So point B तक location B तक ये जो work done है ये आपस में एक दूसरे को calculate कर देंगे. So so only work done is only work done is for bring minus q charge from point B to point A, right? और ये वर्क डन कितना होगा, देखिए जो डिस्प्लेसमेंट हमें कवर करना है दैट इज 2L, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज 2L, और इस चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई. सो जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला होगा दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट मीन्स क्यू ई माइनस क्यू ई इंटू 2L, राइट. So, ये वर्क डन हम लिख लेते हैं. सो दिस वर्क डन दैट इज W इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई इंटू 2L, राइट. और इसको हम इस तरह से लिख लें तो दैट इज माइनस 2QL E, और 2QL जो है इट इज इक्वल टू P दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. सो वी हैव W इज इक्वल टू माइनस ऑफ PE, राइट. एंड दिस वर्क डन विल बी स्टोर एज द पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल, राइट. सो इसको हम लिख सकते हैं W की जगह दिस वर्क डन, चलिए लिख लेते हैं This work done will store as potential energy in dipole. So this work done ko hum likh lenge U, that means U is equal to minus of PE. U is equal to minus of PE. ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है इट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड राइट नाउ, इट इज रिटन ओवर देयर, राइट. इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं लाइक दिस, U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, राइट. क्योंकि जो एनर्जी है या वर्क डन है इट इज स्केलर क्वांटिटी, राइट. तो स्केलर क्वांटिटी तभी होगा जब इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा, राइट. और इसको अगर हम एक्सपेंड कर दें देन वी हैव माइनस PE cos theta, right? So जो general formula हो गया it is minus PE cos
कॉस थीटा, बिकॉज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, राइट? इट इज डॉट प्रोडक्ट, राइट? सो गाइज, वी हैव सीन द क्रॉस प्रोडक्ट एंड द डॉट प्रोडक्ट बोथ, राइट? क्रॉस प्रोडक्ट वी हैव सीन व्हेन वी हैव कैलकुलेटेड आउट टॉर्क, एंड राइट नाउ वी आर यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट. सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दीज टू ऑपरेशंस, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में अगर आपको कुछ भी डाउट है, सो फॉर दैट प्लीज रिफर्स माय लेक्चर्स दैट इज बेसिकली फोकस्ड ऑन दीज टू ऑपरेशंस, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट. तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, राइट? सो दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट. नाउ वी कैन ऑल्सो डिस्कस सम स्पेशल केसेस इन दिस particular scenario also. So the first case, when if theta is equal to zero, देखिए जो theta यहां पर है, it is basically the angle between P and E. So situation will be just like that. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई, और जो डाइपोल वी आर यूजिंग, इट इज सिचुएटेड लाइक दिस. सो दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू. अगर ये सिचुएशन है, ओनली इन दिस सिचुएशन थीटा इज इक्वल टू जीरो, राइट? सो कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, सो यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई, राइट? In second case, if theta is equal to 90 degree, so in that case, situation jo hai wo kuch is tarah ki hogi. This is the direction of electric field, right? And this is the situation of our dipole. So this is minus q and this is plus q, right? Agar dipole jo hai, aap is tarah se lekar aayenge, to jitna kaam aapne माइनस क्यू को यहां पर लाने में किया है वो नेगेटिव, और जितना काम आप प्लस क्यू को यहां तक लाने में करेंगे वो पॉजिटिव. ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट? सो यहां पर भी अगर फॉर्मूले से हम देखें तो कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, सो यू इज इक्वल टू जीरो. एंड जो थर्ड केस है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो इस सिचुएशन में जो सिचुएशन होगी कुछ ऐसी होगी दैट दिस इज ई, और जो डाइपोल है वो कुछ इस तरह से लोकेटेड है. डाइपोल कुछ इस तरह से आपका लोकेटेड होगा, राइट? सो दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू. अगर ये सिचुएशन है, ओनली इन दैट केस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस वन, सॉरी. सो इन दैट केस यू will be cos theta ki value, agar hum minus 1 rakhenge, yani ki 180 degree, cos 180 degree is equal to minus 1, so we have plus PE, right? So student, this is all about the electric dipole, and jo agla lecture jo hum shuru karenge wo ek bahut bahut important topic hai, and we are going to start from the next lecture, that will be Gauss's law, right? We will start Gauss law and then we will see its application. Bahut important topic hai from every point of view.